वेंकटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदाहंताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमत्। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। सभी श्री वैष्णव बंधुओं के लिए ये सूचित करते हुए मैं सहर्ष अभिनंदन के साथ सबको, मेरे लिए ये अवकाश देने वाले स्वामी जी को भी धन्यवाद के साथ इस छोटा सा प्रवचन को शुरू करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। सामान्यतः मानव उत्सव प्रिय होता है। त्योहार यानी हमारे लिए बहुत ही प्रिय विषय हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्मरण करने के लिए वो एकमात्र एक बहुत सुंदर प्रसंग बन जाता है। एक एक पर्व भी हमारे लिए एक हमारे लिए उद्धारक बनकर आता है। हमारे आचार्य ऐसे ऐसे त्योहारों को हम लोगों को समर्पित किए हैं, इसका अनुष्ठान करने के लिए पद्धति भी रखे हैं, मंदिरों में भी उसका विभिन्न रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें फाल्गुनी मास में ये जो लक्ष्मी जी का अवतार का दिन पंगुनी उत्तरम के रूप से जो मनाया जाता है हर बड़े मंदिरों में और हर मठों में भी, इसका इस त्योहार का उज्जवनी अर्थात उसको मनाते हैं। अंततः ये पंगुनी उत्तर जो त्योहार है ये किसके लिए मनाया जाता है? सामान्यतः ये प्रश्न हर एक के मन में होता होगा। ये क्षीराब्धि मंथन होकर जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी वो दिन है, उसी दिन में भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। ये जो चंद्र इत्यादि और कौस्तुभ है और धन्वंतरी है इत्यादि जो अत्यद्भुत कीमती चीजें भी समुद्र में, क्षीर समुद्र में उत्पन्न हुए। भगवान की इच्छा थी कि इन सब चीजों को हम प्रकट करवाएं, क्योंकि समुद्र बहुरत्ना वसुंधरा, ऐसा सामान्यतः जैसा बताए हैं समुद्र के अंदर तो बहुत रत्न है, उसमें अत्यद्भुत चीजों को बाहर निकालकर हम लोगों को भगवान मदद करने के लिए क्षीर समुद्र का मंथन किए थे। ये तो दूर्वास वृत्तांत तो सबको मालूम है। दूर्वास जी एक माला को, स्वर्गीय माला को, स्वर्ग संबंधी जो माला है उसे इंद्र को अर्पित करने के लिए, अर्थात इंद्र रखा था, ऐरावत उसे अपने पैर पे डालकर उसको नोच दिया तो उससे बहुत ही असंतुष्ट होकर शाप दे दिए हैं कि अलक्ष्मीक बन जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत बड़ा शाप दे दिए, नष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए इंद्र तड़प रहा था। भगवान से प्रार्थना हुई, भगवान भी नष्ट लक्ष्मी इंद्र को फिर से लक्ष्मी को प्राप्त कराने के लिए महान प्रयत्न किया है। ये कोई सामान्य विषय नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे विद्वान के मुंह से, बहुत बड़े विद्वान हैं और हैदराबाद में वास करते हैं, रंग रामानुजाचार्य जी स्वामी जी के मुखारविंद से 2-3 साल पहले इस समुद्र मंथन के प्रसंग में प्रवचन करते हुए सुना था। उस वक्त उन्होंने एकदम बहुत, तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में मनोमंथन करने की आवश्यकता है। मनोमंथन करेंगे तो हमारी गलतियां, हमारी अच्छाइयां सब सामने आएंगे। हम क्या गलती किए हैं, हम कहाँ अपराधी हैं, किस मामले में हम क्या क्या अच्छा काम किए हैं, इस प्रकार का मनोमंथन जीवन में एक बार नहीं,
हर दिन करना चाहिए हम लोगों को। इसे इसके प्रतीक के रूप में भगवान शिरब भी मंथन करवाए हैं। ऐसा एक बहुत अद्भुत चीज कहे थे जो हम लोगों को मन में सहजता से उतर जाती है, और अर्थात उसमें अच्छी बात भी निकल सकती है, खराब बात भी निकल सकती है। इसलिए उसमें से जो खराब चीज विष नहीं हलाहल निकला, उसको तो शिव जी अपने कंठ में धारण कर लिए। और परम आज भी हम लोग बताते हैं कि एक भी कोई भी प्रवचन शुरू करने के पहले, और मेरे में दोष भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, आप ऐसा परम कंठ इंदु क्षेड़ा विवेश्वर शिरसा श्लाघते पूर्वम परम कंठे नियच्छति, अर्थात दूसरों का परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम निजहृदि विकसंतः संति संतः भर्तृहरि भी बताते हैं। अर्थात दूसरों को गुणों को बहुत प्रकट करना चाहिए, और ये इस इनमें ये अच्छाई है ऐसा बताना चाहिए। उनमें रहने वाला दोष भी तो होगा, उसे तो हम अपने कंठ में रख लेना, जिस प्रकार शिवजी विष को कंठ में रखे और चंद्र को अपने शिरस में धारण किए हैं, ऐसा सुंदर उदाहरण में उदाहरण के साथ अपने दीक्षित जी समझाते हैं। अर्थात दूसरों का गुणगान करना है और दोषों को निगूहन करना है, अपने आचार्यों का गुणों का दान करना है, आचार्यों में कोई अशक्यता अशक्ति की वजह से कुछ एकाध दोष रह जाए तो उसको हम उद्घाटन नहीं करना चाहिए, कहीं बोल के घूमना नहीं चाहिए। इसलिए छात्र शब्द शिष्य के लिए छात्र शब्द कहा जाता है कि छत्री जैसा छत्र छादयती गुणान छादयती दोषान की छात्र छादयती निगूहन करता है, यानी उन दोषों को वो दबा देता है और उसे बाहर प्रकट नहीं करता है, इसलिए छात्र ऐसी विस्पत्ति कही गई है। किसी के साथ क्षात्र नहीं रखना, छात्रता तो रखना चाहिए, अर्थात छात्र यानी शत्रुता, कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। ये हमारे मनोमंथन का आउटपुट है। कितनी भी बार आप मनोमंथन करेंगे इस जीवन में से, हम जब बाहर इस दुनिया को छोड़ेंगे तब जरूर एक भी व्यक्ति हमारे लिए दुश्मन नहीं होना चाहिए, इतना तो हम सब लोग सोचते हैं। एक न एक दिन तो देह का अंत हो ही जाएगा, देह का अंत होगा तब तक हम लोग फिर चीजों को कमाने के लिए क्या करना है कि हम और भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। भगवान का गुणगान करते वक्त लक्ष्मी जी एक अनिवार्य तत्व है, लक्ष्मी जी के बिना श्रीष्टते लक्ष्मी पत्नऊ अहोरात्रे पार्श्वे, सदा के लिए भगवान के साथ लक्ष्मी जी और भूमा देवी नीला देवी सब विराजमान है। उसमें लक्ष्मी जी हमारे ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। हर एक व्यक्ति हम ऐश्वर्य संपन्न होना चाहते हैं, दीपावली के दिन में हम लक्ष्मी पूजन महोत्सव भी रखते हैं, उसी प्रकार हम साउथ में इस फाल्गुनी फाल्गुन महीने में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हम इस त्योहार को मानते हैं जो लक्ष्मी जी का अवतार महोत्सव है। इतना ही नहीं, वो उसी दिन में और शरणागति गद्य का अवतार भी माना जाता है, और इसी दिन में और भगवान मोहिनी अवतार का भी दिन माना जाता है। मोहिनी अवतार के बारे में भागवत जी इतना सुंदर प्रसंग कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये श्लोक बोलने वालों को इतना सारा फल कहा गया है, मथुरा वृंदावन के ब्राह्मण इस श्लोक को बोलते हुए और संपुट करते हैं भागवत जी को, पूरा भागवत जी संपुट करते हैं, तो अपने क्या है फल के रूप से अपना अभीष्ट फल की सिद्धि मिलती है। और हम भी इस दिन में हम लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बनना है तो हम लोगों को लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और लक्ष्मी जी और भगवान को साथ में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि विवाह महोत्सव में साथ में दर्शन करना चाहिए। इसलिए मंदिरों में आज शेर की सेवई बोलते हैं, अर्थात साथ में दोनों विराजमान रहते हैं। उस दर्शन को करने के लिए बहुत दूर दूर से श्रीरंग क्षेत्र आते हैं लोग। आज श्रीरंग क्षेत्र तो इतना बड़ा त्योहार मनाता है कि मंदिर के अंदर ये पूरा त्योहार ही इस महीने में इस 10 दिन से उत्सव हो रहा है इधर।
और आज भगवान और लक्ष्मी अर्थात रंगनायिका देवी समेत रंगनाथ जी दर्शन देंगे। तो इतना सुंदर दिन है आज। और ये मैं श्लोक बोलता हूँ, इस श्लोक को तो आप सब कंठस्थ केवल ना करें और प्रतिदिन पाठ में रखें, तो मैं कुछ न कुछ यादगार रहे ये दिन ऐसा चाहता हूँ। ये श्लोक भागवत जी में आठवां स्कंध में है। आसद विषयमंग्रिं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतमरवर्यान् नाशयत् सिन्धुमत्स्यम् कपटयुवतिवेषो मोहयन् यत्सुरारीन् समहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। वस्तुतः ये क्षीराब्धि मंथन से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुए, जिसमें मुख्य काम तो यही था अमृत मंथन। अमृत मंथन ही इसको बोलते हैं, और क्षीराब्धि मंथन बोलने के बदले अमृत मंथन ही बोलते हैं। यानी अमृत के साथ बहुत सारी चीजें निकली, उसमें अत्यंत सुकुमार तर वस्तु एक निकली, तो एक आह्लाद कर वस्तु निकली, तो चंद्र है। एकदम सुकुमार वस्तु एक मिली है तो वो लक्ष्मी जी हैं। एकदम कठिन एक वस्तु मिली है तो वो कौस्तुभ है। इस प्रकार अनेकानेक वस्तुओं को हम प्राप्त किए। धन्वंतरी जी हमारे लिए डॉक्टर के रूप से विराजमान हैं। धन्वंतरी ही धन्वंतरी भगवान का मंदिर भी है श्रीरंग क्षेत्र में, अत्यधिक विशेषतापूर्ण है। और लक्ष्मी जी के मंदिर से आगे भगवान के मंदिर के पास जाने के रास्ते में धन्वंतरी भगवान का मंदिर, सुंदर मंदिर है। तो आप लोग जब भी श्रीरंग क्षेत्र पधारे तो ये सब दर्शन करके जाना चाहिए। और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तब तो महान संतोष हुआ, और भगवान भी राजी रहे कि बाकी बाकी सब देवी देवताएं और दानव, ओ ये लक्ष्मी जी का किसको मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, ऐसी भावना से ही रहे भले। परंतु लक्ष्मी जी स्वयं भगवान को वर कर ली, अर्थात उनको उनके पास जाकर सभी लोग देखते वक्त उनके वक्षस्थल में जाकर बैठ गई, ऐसा वर्णन विष्णु पुराण करता है। अर्थात सपश्यताम सर्वदेवानाम ययो वक्षस्थलम हरे है, ऐसा। अर्थात ये तो प्रसंग ऐसा है कि लक्ष्मी जी तो क्षीराब्धि में समुत्पन्न हुई, ऐसा एक तरफ बोला जाता है। दूसरी तरफ तो भृगु से चाती माता जी के पास उत्पन्न हुई, इसलिए भार्गवी नाम भी है, भार्गवी लोक जननी क्षीरसागर कन्या का, ऐसा अमरकोशकार भी बहते हैं कहते हैं ये क्या भार्गवी नाम है, एक ओर से क्षीर सागर कन्या का है, हमें समझ में नहीं आता है, तो एक तो बताओ भार्गवी है या क्षीर सागर कन्या का, ऐसा प्रश्न पूछने पर विष्णु पुराण में उत्तर देते हैं कि और वो तो उनका बहुत सारे अवतार होते हैं, जिस प्रकार भगवान के लिए अवतार होते हैं उसी प्रकार लक्ष्मी जी का भी अवतार माना जाता है। जिस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान के लिए सर्वैश्वर्य संपन्नता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी के लिए भी सर्वैश्वर्य संपन्नता है। जिस प्रकार उनमें स्वतंत्र ईश्वरत्व परमात्मा में है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी में भी स्वतंत्र ईश्वरत्व है। वो कोई भगवान के अधीन है ऐसा नहीं है। और एक रहस्य भी बताता हूँ, भले घर पे झगड़ा नहीं कर लेना इसको लेकर, स्त्रियां सावधान सुनना और उसको सही अर्थ निकाल लेना, नहीं तो घर में भी झगड़ा हो जाए, हो सकता है, बहुत सावधान सुनना है इसे। मैं तो मिसलीड तो नहीं करूंगा परंतु सही सुनना है इसे। और हर घर में स्त्रियां भी स्वतंत्र हैं, पुरुष भी स्वतंत्र है, परंतु स्त्री पुरुष की जो पुरुषों के जो गुणों से वशीकृत होकर स्वयं अपना 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 दास भाव को पति के सामने स्वयं स्वीकार कर लेती है, यही सिद्धांत है। वस्तुतः स्वतंत्रता एक एक औरत के लिए भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र को तो कोई किसी, आजकल तो झगड़ा भी चलता है इसके लिए, स्त्रियों का स्वातंत्र्य को आप लोग रोक देते हैं, ऐसा। वस्तुतः स्त्रियों का स्वातंत्र्य को रोकना नहीं चाहिए, परंतु हम लोग आकृष्ट होकर हमारे साथ रहें बस, ये एकमात्र चीज संभव है। ये वेदांत देशिक जी चतुश्लोकी कांता चतुश्लोकी में कांतस्ते पुरुषोत्तम पाणिपति ही इस स्तोत्र ग्रंथ के व्याख्यान में लोके वा वेदे, लौकिक पति हो या वैदिक पति हो, वेद में पति यानी भगवान विष्णु है,
लोक में तो हम सब मानव ये स्त्रियों का स्वतंत्रता को अपहरण नहीं कर सकते हैं। स्त्री चाहे तो उनके गुणी गुणों में वशीभूत होकर स्वयं परतंत्र होकर रह सकती है, इतना ही संभव है। स्वातंत्र को तो आप दूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा आज लक्ष्मी जी के अवतार के दिन में इस रहस्य का उद्घाटन कर स्त्रियां और पुरुषों का अधीन होकर हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं सोचना। पुरुष को अपने वशीकरण करके पुरुषों को भी अपने कंट्रोल में रखकर स्वयं भी परतंत्रता का अनुभव करके एक आनंद लेना चाहिए। और कोई भी स्त्री पुरुष जैसा पुरुष का है, लक्ष्मी जी भी वैसे ही विराजमान है। लक्ष्मी जी कभी भगवान विष्णु का स्वातंत्र का अपहरण करके मैं ही ग्रेट ऐसा नहीं बताती है, ना तो भगवान ऐसा बताते हैं। दोनों में एक ऐकमत्य है, विश्व रक्षण का काम को अपने हाथ में ले लिए हैं और दोनों मिलकर विश्व का रक्षण करें बस। कभी भी क्या है, झगड़ा कब होता है, पति का दूसरा काम मेल नहीं खाएगा, परंतु पति और पत्नी दोनों मिलकर धर्म के काम में लग जाएं तो उनमें ऐकमत्य जरूर संभव है। दोनों का उद्देश्य एक होना चाहिए, इसलिए लक्ष्मी जी और भगवान दोनों मिलकर विश्व रक्षण, विश्व सृष्टि, विश्व का रक्षण करना, ये इस व्यापार को अपने हाथ में दोनों मिलकर रख लिए हैं। एक व्यक्ति देखिए, एक व्यक्ति को आप घर में भी होती है ये चीज, यानी लड़का कभी बात नहीं मानता है तो दोनों मिलकर नहीं मारते हैं, एक थोड़ा गुस्सा प्रकट करते हैं तो और एक प्रेम दिखाते हैं। लक्ष्मी जी अर्थात घर में स्त्रियां प्रेम दिखाते हैं तो पुरुष थोड़ा कड़क रहते हैं। अर्थात स्त्रियों का प्रेम दिखाना, सबके ऊपर प्रेम से रहना, ये स्वभाव है। उस स्वभाव को हम सुरक्षित रखना है लक्ष्मी जी और हमारे लिए पुरुषकार करते हुए। और यार चेतन है, आखिर तो गलती कर दिया, कौन इस दुनिया में अपराध नहीं करता। अर्थात वस्तुतः सीता जी की जो गोष्ठी क्या है वो ज्यादा है, राम की गोष्ठी से भी सीता जी की गोष्ठी बड़ी है, लंबी है। राक्षसियों को, सब राक्षसियों को हनुमान जी से बचाई थी, नहीं तो हनुमान जी सबको खत्म करने के लिए तैयार थे। ऐसा बताइए, कौन गलती नहीं करता है यार, छोड़ो तो उसे, ऐसा बोलकर रक्षण की। अर्थात ऐसे लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता जी और भगवान की शादी है, जो दोनों किसके लिए शादी करते हैं कि धर्म संरक्षण। हम भी वही बोलते हैं, धर्म 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 प्रजार संत्वाम ऋणीमहे, ऐसा संकल्प में ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण देवता यही बोलते हैं। सहधर्मचरी तव सहधर्मचरी, धर्मचारिणी होना, धर्म में आचरण करने में साथ देना चाहिए, बस यही मुख्य उद्देश्य है शादी का। अगर ये उद्देश्य नहीं है तो ये परिणाम परिणय का परिणाम ठीक नहीं रहेगा, इसलिए परिणय का परिणाम सही होना चाहिए। तो दोनों का उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए और इसके अलावा कुछ मार्मिक नहीं होना चाहिए। हम विषय में आते हैं और अर्थात ऐसे लक्ष्मी जी का के विवाह करने के बाद देवताओं को अमृत को दिए थे, दानवों से उसे रक्षित करके, सुरक्षित करके, क्योंकि दानवों को दे देंगे तो दानव फिर से चिरायुष का प्राप्त करके फिर से देवताओं को मारेंगे, इसलिए देवताओं को केवल देना है। और युवती वेश को डाल करके अवतार डाल के भगवान प्रकट हुए, स्त्री वेशधारी भगवान प्रकट हो गए, इतना सुंदर, इतना सुंदर थे कि देवताएं करके सब अमृत को देवताओं को देकर उनको वंचित कर दिए। इतना सुंदर प्रसंग है, इस श्लोक को बोलने वालों को बहुत ही बढ़िया फल कहा गया है। मैं श्लोक का अर्थ बताऊंगा, उससे आज का विषय को समाप्त करेंगे और लक्ष्मी जी का स्मरण करेंगे और इस क्षीर समुद्र मंथन का प्रसंग स्मरण करेंगे और साथों साथ इस श्लोक को कंठस्थ करके रखेंगे और हर दिन बोलेंगे और भगवान से हमारी अभीष्ट प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करेंगे और भक्ति में, भगवत भक्ति में तड़पन रखेंगे।
असद विषयमङ्घ्रिं भावगम्यन् प्रपन्नानामृतमरवर्यान्नाशयत् सिन्धुमत्यम् कपटयुवतिवेषो मोहयन् यस्तुदारीं समहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। सब कभी भी सत लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ही विषय बनेंगे भगवान। असत व्यक्ति कभी भी भगवान का ध्यान ही नहीं कर पाएगा। ऐसे जो भगवान का शरणारविंद भी ऐसा ही है कि विषय भूता, असत लोगों के लिए विषय ही नहीं बनता है, जो ध्यान का विषय नहीं बनता है। ऐसे जो अंग्री है, शरणारविंद है, उसको जो व्यक्ति भी भावगम्यम अपने ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं, भगवत चरणारविंद को ध्यान करेंगे तो भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी। ये तामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, ऐसा भगवान गीता में बताए हैं ना। इसलिए भगवान का शरणारविंद को ध्यान करने वालों को भगवान का शरणारविंद ही प्राप्त होगा। ऐसा भावगम्यम प्रपन्नान, उनको जो शरणागति करते हैं, अमृतम अमरवर्यान, उस अमरवर्यान अमर श्रेष्ठों को, अमृत को आशयत पिलाये थे, सिंधु मत्यम समुद्र से मंथन करके निकाला हुआ उस अमृत को प्राशयत, आशयत प्राशयत दोनों होते थे, और उनको पिलाये थे। कपट युवती कैसे आए थे, कपट युवती वेश, कपटता करके युवती वेश में आकर भगवान स्वयं मोहयन सुरारीन, सुरारीन सुरों का देवताओं को, हरी शत्रुओं को मोहयन मुग्ध करके, वशीभूत करके देवताएं हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। अर्थात हम भी भगवत शरणारविंद का आश्रय करेंगे तो हमारी भी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामपूरम नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा भागवत जी इतना सुंदर श्लोकों को कहता है कि हमारी मनोभीष्ट कामना सिद्ध होने के लिए ये श्लोक मंत्र के प्राय में मथुरा वृंदावन में रहने वाले है कि जिससे अपेक्षित सर्व समृद्धि हमारे लिए प्राप्त हो सकता हो। फिर से याद करते हुए शिराब्धि में समुत्पन्न लक्ष्मी जी का जो विवाह प्रसंग है उसको भी मन में ध्यान करते हुए, मोहिनी अवतार को ध्यान करते हुए, इन सब त्योहारों को मनाने वाले मंदिरों में जाकर हम लोग दर्शन करें, ऐसी प्रार्थना के साथ इस श्लोक को और एक बार बोलकर विरत होता हूँ। असद विषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नानामृतमरवर्यानाशयसिन्धुमत्यं कपटयुवतिवेषो मोहयन् यस्तुरारीं समहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। दास।